हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज रोशन शर्मा एक्स एक्स डियर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ट्वेंटी मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं जस्ट थ्री या फोर मिनट्स का सबसे पहले इन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को लिखना है उसके बाद सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके ये अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए उसके बाद सोल्यूशंस भी बताऊँगा एक एक चैप्टर का मैं अभी तो हमारा सिलेबस चल रहा है आज हम करेंगे ऑलरेडी मैंने सेट्स पोलोनोमियस और रियल नंबर तीनों चैप्टर्स अपलोड कर दिया है आज हम करेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेश के इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ से आपको यह पे मैंने सॉल्व कर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन के अंदर से लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं होगा थ्री माइनस एक्स या वाई स्क्वायर प्लस सी फोर नहीं होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल इसके अंदर कौन सा होगा लीनियर इक्वेशन टू टी माइनस वन इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव होगा बी वाला ए सोल्यूशन फॉर टू इन टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एटीन इसका सोल्यूशन होगा सिक्स बी वाला द वैल्यू ऑफ एक्स सर्टिस्फाइड टू एक्स माइनस फोर माइनस एक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स इसका आंसर होगा टू पॉइंट टू फाइव द इक्वेशन एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव हैज ए यहाँ पे क्या इनडिफिनेटली या मेनी सोल्यूशन होंगे डी वाला ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी बी और सी दोनों में से कोई एक होगा

इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू ए वाला कंसिस्टेंट होगा इससे रिलेटेड फिलप्स देखिए इफ ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू रहा तो ये पैरल होगा ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू रहा तो इसको कोइंसिडेंट हम कहेंगे द पेर ऑफ लेनियर इक्वेशन फाइव एक्स माइनस फाइव वाई इज ईक्वल टू एट एंड थ्री एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल ट्वेंटी फोर बाई फाइव हैज ए वन सोल्यूशन होगा द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो ये नो सोल्यूशन होगा द सोल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर ए नाइन काम ऑफ फाइव होगा द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री एंड थ्री एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू वन हैज ए यूनिक्यू सोल्यूशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू सिक्स होगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए और कुछ दे रखा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एंड फोर एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टेन हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन इज टू द वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड फाइव एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू सेवन हैज़ नो सल्यूशन इज टेन होगा इफ टू एक्स प्लस थ्री वाई इज ईक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज ईक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई इजक्वल टू जीरो होगा द पेयर ऑफ लेनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन वाई बाई टू इज ईक्वल टू के प्रेजेंट टू कोइंसिडेंटल लाइन्स देन द वैल्यू ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी फाइव बाई टू होगा अभी देखिए टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज ईक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ये क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे ये डी होगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू एंड सिक्स एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू फोर ये को इंसिडेंट लाइन होंगे ई फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फाइव इज ईक्ल टू जीरो लाइन्स होंगे ए द पैरल लाइन्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो ये होगा फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो द को इंसिडेंट लाइन्स ऑफ टू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो ये होगा सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई माइनस ट्वेंटी फाइव इज ईक्ल टू ज़ीरो द वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ इक्वेशन टू एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स हैज़ यूनिक्यू सोल्यूशन इसके अंदर होगा इज नॉट इक्वल टू टू द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ पेयर इक्वेशन टू एक्स माइनस के वाई इज प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फाई इज इक्वल टू जीरो ए रेप्रजेंटेड पैरल लाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा द वैल्यू ऑफ के इज द पेयर ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड नाइन एक्स प्लस टूवेल्व वाई प्लस के इज इक्ल टू जीरो रेप्रजेंटेड को इंसिडेंट लाइन इज इक्वल टू क्या होगा सिक्स होगा द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन फाइव एक्स माइनस एट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज टू होगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस के वाई इज इको इट डो नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स का ऑलरेडी मैंने फोर चैप्टर्स का अपलोड कर दिया है फर्स्ट chapter यहाँ पे फर्स्ट वाला इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी इज इक्ल टू फिफ्टी एंगल बी इज इक्ल टू सिक्सटी देन आर इज इक्ल टू सेवेंटी डिग्री होगा आपको पता है ये फिफ्टी सिक्सटी वन टेन होगा वन एटी माइनस वन टेन सेवेंटी होगा आपको सॉल्व कर लेना मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया देखिए ट्राइंगल ए बी सी से ट्राइंगल डी ई एफ एंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर थर्टी सेंटीमीटर एंड एटीन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ़ बी सी इज टू नाइन सेंटीमीटर देन ईज इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर होगा बी वाला triangle abc similar triangle def such that ab is equal to 9.1 centimeter and d is equal to 6.5 centimeter If the perimeter of triangle def is equal to 25 cm then perimeter of triangle abc is 35 cm if triangle abc similar triangle edf and triangle abc is not similar to triangle def then which of the following is not true is bc into d is equal to ab into ef hoga c if in two triangles ABC and PQR, AB by QR and is equal to BC by PR is equal to CA by PQ, then triangle PQR negation a similar triangle CAB. If the triangle ABC and of AB by DE is equal to BC by FD, then they will be the similar when angle B is equal to angle D. The area of two similar triangles are 169 cm square and 121 centimeter square in the longest side of the larger triangle is 26 centimeter then the longest side of a other triangle is 22 centimeter if triangle abc similar triangle pqr area of triangle abc is equal to 80 centimeter square and area of triangle pqr is equal to 45 centimeters then a b ratio p q is equal to the 4 ratio 7 which of the following cannot be the side of a triangle so 9 centimeter 5 centimeter 7 centimeter if a ladder of a length 13 meters is placed against a wall, such that its foot is the distance 5 meters from the wall, then the height of the top of the ladder from the ground is 12 centimeters. If a diagonals of rhombus are 12 centimeter, 16 centimeter, then the parameter of a rhombus is 40 centimeter. The length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. The perimeter of a rhombus is 80 centimeters.

इफ ए लाइन डिवाइडेड इंटू टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरल इज थर्ड साइड इफ ट्राइंगल ए ब सी कॉमा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्कल ए सी स्क्वायर देन एंगल बी इज द राइट एंगल ट्राइंगल इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इन ट्राइंगल ए बी इज ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्कल टू इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी सक्वायर यह हाइपोटनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कुछ मैच द फॉलोइंग है आपको मैच द फॉलोइंग तो नहीं आता लेकिन ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे द डायग्नस ऑफ स्क्वायर इज यहाँ पे टाइम्स ऑफ द साइड्स क्या होगा यहाँ पे रूट टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तेज थ्योरम भी हम कहते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को बुद्ध थ्योरम भी हम कहते हैं एरिया ऑफ इक्वेलेटर ट्राइंगल का हो ट्राइंगल हो हो ये होगा सी थ्री ए स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर बाई फोर हाइट ऑफ एन इक्वेलेटर ट्राइंगल इज क्या होगा ये होगा रूट थ्री ए बाई फोर यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ए बी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स पी क्यू इज इक्वल टू पॉइंट फोर एंड पी आर इज ईकोल फाइव पॉइंट फोर देन ए सी इज इक्वल टू एट पॉइंट वन होगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ए बी इज इक्वल टू सिक्स बी सी इज इक्वल टू फोर ए सी इज इक्वल टू फाइव एंड पी आर इज टू सिक्स देन पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव होगा इन ट्राएंगल ए बी सी डी ई पैरल बी सी इज एंड डी ई

इफ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी नाइन्टी डिग्रीज बी इज फाइव सेंटीमीटर ए सी थर्टी सेंटीमीटर होगा तो साइन सी इज इक्वल टू ट्व बाई थर्टीन होगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्ल नाइन डिग्रीज एंड 17 सेंटीमीटर वाई जेड इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर होगा तो कॉस जेड इज इक्वल टू एट बाई से होगा बाई द पाइथागोरस होगा ए सी स्क्वायर इज इक्ल टू ए बी स्क् प्लस ए बी से आपको सॉल्व करना होगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर विद राइट एंगल एट क्यू द वैल्यू ऑफ एंगल पी इज एक्स पी क्यू इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर क्यू आर इज इक्वल ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एक्स इज इक्वल टू होगा सेवन बाई ट्वेंटी फोर इंटरंगल ए बी सी विद द राइट एंगल एट सी बी प्लस सी एज इक्वल ट्वेंटी थ्री सेंटीमीटर बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर देन साइन ए प्लस कॉज ए इज इक्वल टू क्या होगा ट्वेंटी थ्री बाई सेवेंटीन द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉज ए इज ऑलवेज ए लेस देन वन होगा टेन ए इज इक्वल टू ऑल ऑफ दिस यहाँ पे लिखना है साइन बाई कॉज होगा साइन इन टू सेक होगा सेक बाई कॉज ये पूरे इसके अंदर से करेक्ट है इसलिए डी कॉटे इज इक्वल टू ये पूरे करेक्ट है इसके अंदर इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ़ टेन इज इक्वल टू रूट थ्री एंड देन कॉटे इज ईक्वल टू वन बाई रूट थ्री होगा साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव इसकी वैल्यू वन बाई रूट टू इसकी वैल्यू भी वन बाई रूट टू अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर रूट टू आएगा यहाँ पे कॉस फोर्टी फाइव बाई सेक थर्टी प्लस सिक्सटी की वैल्यू है रूट थ्री बाई फोर रूट टू यहाँ पर आपको लिखना है थर्टी का वैल्यू होगी रोड थ्री बाई टू वन माइनस होगी जीरो का वन होगा टैन थर्टी सिक्स बाई कॉट फिफ्टी फोर का टेन होगा और उसी तरह यहाँ पर देखिए कॉस ट्वेल्व माइनस साइन सेवनटी एट को जीरो लिखेंगे कोसेक थर्टी वन माइनस सेक फिफ्टी नाइन जीरो वैल्यू वन होगा अब मैच दिन सेवन होगा पूरे कैंसिल होंगे तो वन होगा कॉस थर्टी सिक्स सेक्स थर्टी सिक्स प्लस साइन थर्टी सिक्स को सेक्स थर्टी सिक्स की वैल्यू होगी टू साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस को स्क्वायर फोर्टी फाइव की वैल्यू जीरो होगी टेन सेवनटी फाइव माइनस सेक्स सेवनटी फाइव की वैल्यू होगी माइनस वन कोसेक 30 माइनस कॉट फोर्टी फाइव की वैल्यू होगी थ्री उसके बाद ये देखिए साइन स्क्वायर फिफ्टीन डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर सेवेंटी फाइव डिग्रीज और कॉस स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस कॉस स्क्वायर फिफ्टी फोर की वैल्यू होगी वन माइनस साइन फाइव कॉस एटी फाइव माइनस कॉस फाइव साइन एटी फाइव इसकी वैल्यू होगी जीरो उसी तरह कॉट सेवेंटी फोर टैन सिक्सटीन माइनस सेक्स सिक्सटीन सेवेंटी फोर इसकी वैल्यू होगी जीरो यहाँ पर सेक सिक्सटी uh,